नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, इस समय हम भारत फोर्स शेयर के डेली चार्ट पे हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा किस तरह शेयर यहाँ पे आपको अपना लोअर हाई बनाते हुए दिखा रहा है, और ये चीज़ें हमें ये संकेत देती है कि जो शेयर का ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, क्योंकि इसका जो लो है ये नया नया लो बना रहा है, यानी कि लोअर लो बनाते जा रहा है कंटिन्यू। इसको अगर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करें, आप देखेंगे कि इसका जो ट्रेंड है डाउन है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जिस तरह यहाँ पे आपको लोअर लो देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे ये डायरेक्शन चेंज हो चुका है, यहाँ पे एक हायर लो फॉर्म होने लग रहा है। यानी कि यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव इंडिकेशन मिल रहा है कि अभी यहाँ से शेयर के ट्रेंड चेंज होने का चांस है। हमें यहाँ पे अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, अगर आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, इसके जितने हाईज हैं इसके हाई को आप यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए इस ट्रेंड लाइन से, और जो यहाँ पे लोअर लो है, यहाँ पे जो हायर लो फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अब हमें ये देखना है, अब जो चीज़ यहाँ पे पहले ब्रेक होगी, यानी कि जो ऊपर साइड की लाइन है, ये हमारा एक रेसिस्टेंस जैसा हो गया है। अगर ये ऊपर की लाइन के ऊपर हमें ब्रेकआउट मिलता है एक अच्छी बुलिश कैंडल के साथ, तो हम इसमें अपनी बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। अगर यही जो नीचे ये ट्रेंड लाइन हमने जो ड्रॉ की है, एक सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि प्राइस इस लाइन को बार बार टच करके रिटर्न ऊपर की ओर जा रही है। अगर यहाँ पे नीचे हमें ब्रेकडाउन मिलता है, यानी एक बैरिश कैंडल इसको ब्रेक करती है, तो यहाँ पे हम अपनी एक शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे। तो दोस्तों, इस शेयर्स को आप फॉलो करते रहिए, अपने वॉच लिस्ट में रखिए। जब भी आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट मिले, तो उसमें आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करें। हम आपसे जल्द मिलेंगे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।